हे हाय हेलो दोस्तों, यह वीडियो मैंने विनका के पौधे पर बनाया है। इसे आम बोलचाल की भाषा में सदाबहार का पौधा कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूँ आपकी हरित क्रांति मित्र प्रियंका कुमारी। दोस्तों, सदाबहार का पौधा लगभग हर भारतीय घर में पाया जाता है। इसका जैसा कि इसका नाम है सदाबहार, ये 12 मास खिलने वाला फूल है। इस पौधे में 12 मास कोई ना कोई फूल खिला रहता है। ये पौधा फूलों से भरा रहता है और इसे लगाना भी बहुत आसान है और इसे मेंटेन करना भी आसान है। दोस्तों, अगर आप इस पौधे में दो तीन तीन दिन पानी नहीं भी देंगे या कहीं आप चले गए 3 4 दिन पानी नहीं दिए, तो भी ये पौधा सूखता या मरता नहीं है। ये काफ़ी हार्डी प्लांट है। इसे धूप में रख दो, पानी में रख दो, कहीं भी रख दो, छत पर रख दो, यह आसानी से ग्रो करता रहता है और फूल देता रहता है। और इसे लगाने के लिए भी कोई बहुत खास अच्छी मिट्टी की ज़रूरत भी नहीं है। आप जैसे भी रफली भी इसे लगा दो तो ये ग्रो करेगा। इसे मैंने मिट्टी में लगाया है, नॉर्मल गार्डन सॉइल में ही लगा दिया है। देखिए इसमें कितने सारे फूल आए हुए हैं। यह पौधा मैंने इस गमले में 2 महीने पहले लगाए थे। जिस समय मैंने लगाया था इसे, यह पौधा मात्र 4 इंच का था और अब देखिए 2 महीने में ही ये कितना ग्रो कर गया है और इसमें फूलों के गुच्छे आ रहे हैं। सदाबहार का पौधा उजले रंग का फूल देता है और पिंक कलर का भी फूल देता है। ये वाइट वाली वैरायटी है। देखिए इसमें उजले रंग का फूल खिला हुआ है। इसमें हर एक दिन फूल खिल रहे हैं दोस्तों। तो आप भी अपने घर में सदाबहार का पौधा लगाएं। और पौधे से संबंधित इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट भी करें, कुछ बोलना हो, कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट करें। मैं गार्डनिंग से संबंधित आपसे अपने नॉलेज को शेयर करती रहूँगी। ये देखिए, ये सदाबहार का ये छोटा सा पौधा है जिसमें छोटी छोटी पत्तियाँ आपको दिख रही हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक दूसरा पौधा लगाया था, वो भी 4 इंच का ही था। तो हुआ क्या ना कि जब मैंने पौधे को लगाया तो उसके कुछ दिन बाद उसकी सारी पत्तियाँ गिर गई और अब इसमें नई पत्तियाँ निकल रही हैं। और पहले वाला पौधा तो देखिए ये बहुत बड़ा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में सदाबहार के पौधे लगाएं और एंजॉय करें। बाय बाय।